पांडे ने खुलासा किया कि उन्होंने आइसक्रीम का टब खाया। अरिजीत सिंह के गाने सुने और दिल टूटने के बाद कुछ कुछ होता है देखा। अनन्या पांडे ने आइसक्रीम की बाल्टी में शामिल होकर और उदास संगीत सुनकर अपने पिछले दिल की धड़कन ओ का सामना किया है। वह इन दिनों आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं। खो गए हम कहां की सफलता का आनंद ले रही अनन्या पांडे ने हाल ही में जीवन में दिल टूटने से निपटने के बारे में बात की। अभिनेत्री ने साझा किया कि वह कालीन के नीचे ब्रश करने या किसी ऐप पर साइन अप करके खुद को विचलित करने के बजाय अपनी भावनाओं से निपटना पसंद करती हैं। बॉलीवुड बबल से बात करते हुए अनन्या ने साझा किया कि दिल टूटने से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं उससे निपटना चाहिए क्योंकि अनसुलझी भावनाएं सबसे खराब हैं। उसने कहा, इस तरह से मैं इससे निपटने का विकल्प चुनती हूँ, इसके माध्यम से जाती हूँ और इसे बाहर निकलने देती हूँ। कई अन्य लोगों की तरह अनन्या पांडे ने भी आइसक्रीम की बाल्टी में शामिल होकर और उदास संगीत सुनकर अपने पिछले दिल की धड़कन ओ का सामना किया है। यह पूछे जाने पर कि ब्रेकअप के बाद उन्होंने क्या किया, अभिनेत्री ने कहा, आइसक्रीम खाओ, अरिजीत सिंह को सुनो और कुछ कुछ होता है देखो। तुम ही हो सामान्य दिल टूटने वाला गीत है, हर किसी ने अपने दिल टूटने के दौरान इसे सुना होगा। आशिकी दो फीट दिल टूटने की प्लेलिस्ट भर है। इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर लीड रोल में थे। अनन्या ने हाल ही में आदित्य रॉय कपूर के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है। करण जौहर ने कॉफी विद करण के एक एपिसोड में करण जौहर से उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा था। भले ही उसने स्पष्ट रूप से अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की, लेकिन उसने आदित्य के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त संकेत दिए। जब करण ने पूछा कि क्या अनन्या प्यार में गुमराह थी, गुमराह आदित्य की आखिरी नाटकीय रिलीज थी, अनन्या ने जवाब देते हुए कहा, आशिकी ऐसे ही होती है।